हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू शिक्षा गाइज दिस इज सेशन फोर ऑफ आर नबार्ड आंसर राइटिंग एंड इसके अंदर जो हमने क्वेश्चन आज डिस्कस करना है वो मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर दिया था ओके सो द क्वेश्चन दैट वी हैव टू डिस्कस टूडे विल बी डिस्कसिंग इट एंड इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर पॉल्यूशन एक दो मेरे पास आंसर्स आए थे टेलीग्राम के ऊपर वो चेक करके आफ्टर दिस वीडियो आई ऑल्सो बी गिविंग द रिव्यू ऑफ दो आंसर्स ठीक है वो मैं टेलीग्राम के ऊपर ही शेयर कर दूंगा डो नॉट वरी अबाउट दैट ओके सो बिफोर डूइंग दैट 2000 प्लस नॉन वीडियो एम कोर्स प्लीज जरूर एक्सप्लोर कीजिए इसको 50 परसेंट ऑफ चल रहा है बहुत रीजनेबल प्राइस है एंड आई आर श्योर यू की आपको फिफ्टी परसेंट कोड यूज करने के बाद अराउंड uh, तीन सौ रुपये का ये कोर्स पड़ेगा और आपको ये तीन सौ रुपये कब आप रिग्रेट नहीं करोगे स्पेंडिंग दीज थ्री हंड्रेड रुपीज ये मेरा वादा है ठीक है हैप्पी फिफ्टी कोड यूज करेंगे आप चलिए क्वेश्चन जो था हमारा वो था व्हाट इज एग्रीकल्चर पोल्यूशन ठीक है ओके व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर पोल्यूशन पंद्रह नंबर का क्वेश्चन था छः सौ वर्ड में लिखना था तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर समझ में आ जाना क्वेश्चन का बहुत जरूरी है ठीक है हर क्वेश्चन के क्वेश्चन कोई भी हो उसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा इंट्रोडक्शन उसके अंदर होना चाहिए बॉडी उसके अंदर होनी चाहिए कंक्लूजन उसके अंदर होना चाहिए ठीक है कोई भी क्वेश्चन हो आसान से लेके आसान तक मुश्किल से लेके मुश्किल तक ये तीन पार्ट क्वेश्चन के अंदर रहेंगे ही रहेंगे ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे ही करेंगे तो अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप अपनी बाउंड्री डिसाइड कर लेंगे कि आपको कहाँ पर क्या लिखना है आपके लिए बाउंड्री अपनी सेट करना डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है जितनी ज़्यादा आप बॉडी को सेट कर पाएंगे जितना ज़्यादा आप अपने स्ट्रक्चर को सेट कर पाएंगे एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले ना पंद्रह से बीस सेकेंड एग्जाम के अंदर भी पंद्रह से बीस सेकेंड आप अपने आप को दे सकते हो क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि हाँ यार ये मेरा स्ट्रक्चर होगा कि इस तरीके से मेरे को चलना है कि मेरे को इंट्रोडक्शन में ये चीजें लिखनी है बॉडी के अंदर मैं ये चीजें लिखूंगा और कंक्लूड में इसको ऐसे कर दूंगा पंद्रह से बीस सेकंड का समय लेकर के ये सोच लो उस, उससे फायदा क्या होगा ये बीस सेकंड आपके आने वाले पूरे के पूरे क्वेश्चन में कम से कम तीन चार मिनट बचा देगा क्योंकि आपने फिर जो एक बार प्लान बना लिया ना आपने उसके ऊपर स्टिक रहना आपने उसी के ऊपर चलना है कि यार मेरे को ये यही ये, ये चीजें अपने आंसर के अंदर लिखनी है फिर फालतू तो में उसमें हेर फेर मत करो अब जैसे इंट्रोडक्शन में यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई देखो पहला पार्ट मेरा इंट्रोडक्शन के अंदर मैं अच्छे से डाल सकता हूँ कि व्हाट इज एग्रीकल्चर पोल्यूशन मैं इसी में घुसा दूंगा कि एग्रीकल्चर पोल्यूशन क्या होता है ओके अगर इसमें आपको एग्रीकल्चर पोल्यूशन की डेफिनेशन डालने से पहले आप एक दो लाइन और डाल सकते हो कि व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ एग्रीकल्चर व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर ठीक है या एग्रीकल्चर का क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या इंपैक्ट है या क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इंपैक्ट है उसके बाद एग्रीकल्चर पोल्यूशन को एक्सप्लेन करना शुरू कर दो बॉडी के अंदर आपके कॉजेज आ जाएंगे एग्रीकल्चर पोल्यूशन के मेनली और इफेक्ट एग्रीकल्चर पोल्यूशन का मेनली आपने किस में डाल देना है बॉडी के अंदर डाल देना है ठीक है तो इसके अंदर कॉजेज प्लस ही फैक्टर देंगे ठीक है कंक्लूजन के अंदर आपको डिसाइड करना है कंक्लूजन के अंदर अलग अलग चीजें बच्चे डाल सकते हैं इसके अंदर आपकी अप्रोच के ऊपर बात है अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सजेस्ट करना होगा कि कंक्लूजन में क्या डालें तो मैं आपको कहूंगा कि कंक्लूजन में आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का आइडिया डाल दो ठीक है अभी मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा कंक्लूजन आपको पूरा दिखाऊंगा तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का आइडिया डाल दो एज इट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है क्योंकि अल्टीमेटली जो एग्रीकल्चर के पोल्यूशन हो रहा है एग्रीकल्चर के जो पोल्यूशन के रीजन है कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उसी को इम्प्रूव करने की बात करता है, है ना तो वो आप एज इट इज डाल सकते हो उसके अंदर ओके okay. चलो तो शुरू करेंगे व्हाट इज एग्रीकल्चर पोल्यूशन के साथ जो आपका इंट्रोडक्शन होगा अब इसके अंदर मैंने एक ओईसीडी की डेफिनेशन डाली है एग्रीकल्चर पोल्यूशन की इसी तरीके से आप एफ की या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की एग्रीकल्चर पोल्यूशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है तो वो डाल सकते हो तो ओईसीडी एग्रीकल्चर पोल्यूशन को कैसे डिफाइन करता है ओईसीडी कहता है कि एग्रीकल्चर पोल्यूशन कॉम्प्राइजेस लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट फ्राम ऑल टाइप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग रन ऑफ फ्राम पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर यूज़ एंड फ्रॉम फीड लॉट्स ठीक है जो बेसिकली फीड लॉट्स होते हैं जो आप फीडिंग के लिए यूज करते हो इोजन हो गया प्लोइंग से जो डस्ट क्रिएट होता है जिससे आपका एयर पोल्यूशन होता है और सॉइल इरोजन होता है एनिमल मेन्य जिसमें से आपके एमिशन निकलते हैं कार्केसिस एनिमल कारकेससेज प्लांट कार्केससेस क्रॉप रेजिड्यू डेब्रेस तो ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पोल्यूशन की डेफिनेशन है इसको अगर आपको देखो अगर किसी ज़रूरी नहीं है कि सारी डेफिनेशन आपको किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डेफिनेशन दिया वो पता हो तो एक चीज़ मेरी ध्यान में रखना अगर डेफिनेशन किसी की दी हुई नहीं पता तो आप उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो लेकिन एक चीज़ कभी भी मत करना कि अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन की हुई डेफिनेशन के आगे लिख दो एज पर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वो पाप कभी मत करना ठीक है वो एक अपराध है ऑल राइट right, और एग्जामिनर को वो बातें जो है अल्टीमेटली ठीक नहीं लगती हैं तो अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन नहीं पता है तो और आप अपने सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द पोल्यूशन कॉजिंग पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर इन द फॉर्म ऑफ स्वाइल इरोजन यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन राइट तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो एग्रीकल्चर पोल्यूशन को कि बेसिकली जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से जो पोल्यूशन हो रहा है नाउ right, अब एग्रीकल्चर पोल्यूशन में आप फर्दर लिख सकते हो कि यार कोई एक सिंगल कॉज नहीं है जो वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर पोल्यूशन का एक रीजन है जो हम एग्रीकल्चर पोल्यूशन की प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके पीछे कोई सिंगल रीजन नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चर अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है ठीक है ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स भी हो रहा है लाइफ स्टॉक भी है क्रॉप ग्रोइंग में भी आप अलग अलग चीजों को यूज कर रहे हो ऑल राइट तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर पोल्यूशन का आप कह दो कि सिर्फ सॉइल इरोजन जो हो रहा है वो एक रीजन है या सिर्फ पेस्टिसाइड का यूज जो कर रहे हो वो एक रीजन है नहीं मल्टीपल रीजन है ऑल राइट नाउ द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर पोल्यूशन स्टेम्स फ्रॉम द मेनी स्टेजेस देयर ग्रोथ गोस थ्रू अलग अलग जो ग्रोथ स्टेजेस होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर प्लांट्स की वो हर स्टेज से कोई ना कोई पोल्यूशन एक्टिविटी जो है वो रिलेटेड है और वो कहीं ना कहीं आपका कॉज हो गया तो अल्टीमेटली ये मेरा क्या है ये मेरा कनेक्टिंग पॉइंट है ये मैं अब अपने एग्जामिनर को बता रहा हूं कि अब मैं कॉजेज के ऊपर जाने वाला हूं मैं अब अपने कॉजेज के ऊपर जाने वाला हूं तो मैं कॉजेज के ऊपर आ जाऊंगा तो कॉजेज में एक तो आ गया पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं वन ऑफ द मेजर रीजन है एग्रीकल्चर पोल्यूशन का अब जो मॉडर्न डे पेस्टिसाइड्स हैं फर्टिलाइजर हैं ये लोकल पेस्ट्स को भी डील करते हैं ठीक है जो हजारों सालों से सैकड़ों सालों से चल रहे हैं साथ ही साथ नई नई इन्वेसिव स्पीशीज नए नए पेस्ट आ, आते रहते हैं बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स एंड ऑल ओके तो अल्टीमेटली इनके अंदर केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये ऐसे केमिकल्स होते हैं ये सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं दीज आर नॉट नेचुरल केमिकल्स जो नेचर के अंदर मिलते हैं जो एक नेचर का मैकेजम होता है टू कंट्रोल पेस्ट एंड एंड ऑल ये क्या है ये सिंथेटिकमिकल हैं अब ये सिंथेटिकमिकल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपने इनको एक बार यूज कर लिया आपने इनको एक बार स्प्रे कर लिया तो ये कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होते हैं कुछ केमिकल वॉटर लीचिंग के थ्रू वॉटर के साथ ग्राउंड में से जो फील्ड में से वाटर जा रहा है उसके साथ वॉटर के अंदर एंटर कर जाएंगे ठीक है और कुछ जो है वो आपके प्लांट की बॉडी के अंदर प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर लेगा ठीक है तो अल्टीमेटली दोनों तरफ से ही नुकसान होता है आपका जो लोकल वाटर बॉडी है वो भी पल्यूट हो रही है एंड अल्टीमेटली आपका जो ग्राउंड uh, वाटर है वो भी कंटेमिनेट हो रहा है आपके जो क्रॉप्स हैं वो भी कंटेमिनेट हो रहे हैं ठीक है तो कंटेमिनेटेड वाटर का पॉइंट आ गया दूसरा जो आपका एग्रीकल्चर पोल्यूशन का एक मेजर रीजन है कंटेमिनेटेड वाटर जो इरीगेशन uh, का अगर आप यूज़ कर रहे हो जो क्रॉप्स को इरीगेट करने के लिए आप uh, यूज कर रहे हो पानी अगर वो कंटेमिनेटेड है किसी दूसरे सोर्स से फॉर एग्जाम्पल किसी इंडस्ट्री से पानी डायरेक्टली लेक के अंदर जा रहा है किसी और उसी लेक से पानी आपकी फील्ड के अंदर आ रहा है तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा उससे आपका जो वाटर है वो पोल्यूटेड है और उस पोल्यूटेड वाटर को ही आप फर्दर इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हो और एग्रीकल्चर वेस्ट भी जो पानी के अंदर जा रहा है देखो ये दिस इज लाइक कर्मा हम कहते हैं ना कर्मा व्हाट यू गिव विल कम बैक टू यू अब आपने एग्रीकल्चर वेस्ट जो है सरफेस रन ऑफ के साथ पानी में जा रहा है ठीक है उसने उस वॉटर बॉडी को पल्यूट कर दिया एंड अल्टीमेटली आप उसी वॉटर बॉडी में से दोबारा पानी को यूज कर रहे हो अपनी क्रॉप के लिए नेक्स्ट सीजन में तो अल्टीमेटली कर्मा वाली चीज यहां पर होती है ओके okay? तो जो डिस्पोजल हो रहा है उससे आपका वही वाटर आप इरिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हो एंड अल्टीमेटली योर क्रॉप्स आर गेटिंग पोल्यूटेड उससे क्या होता है फर्दर आप सॉइल का पोल्यूशन कर रहे हो क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो पानी में रिलीज़ हो रहा है उसमें मरकरी आर्सनिक लेड कैडमियम जैसे कंपाउंड होते हैं जो आपके सॉइल को पल्यूट करते हैं आपके प्लांट्स को पल्यूट करते हैं एंड अल्टीमेटली आपकी बायोडाइवर्सिटी के लिए भी एक मेजर रिस्क बन जाते हैं ओके सॉइल इरोजन एंड सेडिमेंटेशन Uh, ये भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर का अब देखो सॉइल के अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं हम स्ट्रक्चर करते हैं ना ओल ए बी सी इस तरीके से हम लेयर्स देखते हैं है ना तो सॉइल के अंदर अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं लेकिन एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी होती है हम बोलते हैं कि यार एग्रीकल्चर के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है टॉप मोस्ट लेयर क्योंकि ये फार्मिंग और ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर सकती है प्लांट को ग्रो करने के लिए अपने को ये टॉप मोस्ट लेयर ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है अब जो इन एफिशियंट फार्मिंग प्रैक्टिस यूज की जाती हैं उससे अल्टीमेटली क्या होता है सॉइल के इरोजन की प्रॉब्लम हो जाती है फॉर एग्जाम्पल आप जो बर्निंग करते हो या सॉइल को कंप्लीटली एक्सपोज छोड़ देते हो विंड और वाटर से तो उससे आपकी इरोजन की प्रॉब्लम होती है जिससे अल्टीमेटली सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है अब जो वॉटर uh, या विंड इरोजन हो रहा है तो डेफिनेटली अब फॉर एग्जाम्पल विंड इरोजन हो रहा है रेत उड़ रहा है सॉइल उड़ रहा है अपर लेयर सॉइल की उड़ रही है तो उससे और भी तो नुकसान हो रहे हैं उससे और क्या नुकसान हो रहे हैं उससे ये नुकसान हो रहा है कि जो विंड है उस डस्ट को कैरी अवे कर रही है वो डस्ट वन ऑफ द रीजन फॉर एयर पोल्यूशन बन रहा है प्लस अब जो डेजर्ट एरियाज है जहां पर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है या जहां पर प्रॉपर सॉइल कवर नहीं है वहां पर से डस्ट उड़ करके क्या होगा वो फर्टाइल सॉइल्स के ऊपर भी जाकर के कवर कर लेगा फर्टाइल क्रॉप्स को भी जाकर के कवर कर लेगा विंड के साथ क्योंकि वो ब्लो कर रहा है ना तो अल्टीमेटली जो विंड और वाटर से सॉइल आप कैरी अवे कर रही हैं नैचुरल फोर्सेस वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट भी होंगे ओके सो द रिजल्टिंग सेडिमेंटेशन कॉजेज सॉइल बिल्डअप इन एरिया सच एज रिवर स्ट्रीम्स डिचेज एंड सराउंडिंग फील्ड तो वो सराउंडिंग एरिया को भी धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देता है इसको हम प्रोसेस को बोलते क्या है डेजर्टिफिकेशन कि जो फर्टाइल कवर्ड लैंड है वहाँ पर भी आपका जो है सॉइल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पर भी आपकी फर्टिलिटी डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है उसके बाद लाइफ स्टॉक एक मेजर कॉज है एग्रीकल्चर से निकलने वाले पॉल्यूशन का देखो पहले क्या होता था कि फार्मर जो है वो लाइफ स्टॉक उतना ही रहता था जितना लैंड सपोर्ट कर सकता था ठीक है कैटल शिप पिग्स चिकन एंड अदर एनिमल्स इनकी नेचुरल डाइट इनको दी जाती थी जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट होता था क्रॉप वेस्ट होता था वो उसको डाइट में यूज कर दिया जाता था ठीक है तो ये एनिमल को भी हेल्दी रखता था और लैंड को भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी मैनेज हो जाता था अब लाइफ स्टॉक को बहुत मेजर एक एक्टिविटी की तरह ग्रो किया जाता है लार्ज स्केल पे कॉमर्शियल स्केल पे तो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन डेफिनेटली इंक्रीज की गई है ठीक है जगह कम है कंडीशन कम है अननेचुरल डाइट को फॉलो किया जाता है एंड व्हेन द एनिमल बिकम्स वीक स्लॉटर हाउसेज में उनको सेंड कर दिया जाता है या रोड्स के ऊपर उनको छोड़ दिया जाता है ठीक है तो अल्टीमेटली इससे देखो एक तो जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन बढ़ा है क्योंकि जो आपके लाइफ स्टॉक होता है ना दे रिलीज अ लॉट ऑफ गैसेस ठीक है जो इनका सिक्रेशन प्रोसेस होता है उससे आपकी बहुत सारी मिथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेज इमिट होती हैं लाइफ स्टॉक सेक्टर वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स है आपकी ग्रीन हाउस गैस इमिशन के अंदर ठीक है तो पॉपुलेशन डेफिनेटली इंक्रीज हो रही है उसके बाद जो फार्मर्स का, जो लाइफ स्टॉक की मैनेजमेंट है वो कंपेरेटिवली पुअर जो है वो होती जा रही है स्लॉटर हाउसेज में जो बेचा जाता है जो कार्कसेज हैं उनका जो डीकम्पोजिशन है अगेन रिजल्ट इन टू द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज तो ये सारे कहीं ना कहीं लाइफ स्टॉक सेक्टर की तरफ से प्रॉब्लम जो है वो बन रहे हैं पेस्ट एंड वीड्स की बात करें अब देखो एग्जॉटिक क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं नए नए क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उनको ग्रो किया जाता है उससे क्या होता है जो नेचुरल स्पीशीज होती हैं उस एरिया की वो कम होनी शुरू हो जाती हैं ठीक है थीके? अब इसका प्रॉब्लम क्या है ये एग्रीकल्चर पोल्यूशन को बढ़ाता है क्यों क्योंकि जब नई क्रॉप आप लेकर के आओगे तो एक तो जो आपकी नेटिव पॉपुलेशन है नेटिव पॉपुलेशन के अंदर बेटर मैकेनिज्म होता है कि वो उस एरिया के डिजीज पेस्ट वीड्स वगैरह से एक तो टैकल कर सकती है अब आप नई क्रॉप ले आए नई क्रॉप के साथ साथ नए डिजीज नए पेस्ट नए वीड्स भी आएंगे और ये जो नए डिजीजेस पेस्ट और वीड्स हैं ना ही उसको पुराने वाली पॉपुलेशन मैनेज कर पा रही है जो नेटिव पॉपुलेशन थी जो आपकी इंडिजीनियस पॉपुलेशन थी वो भी इसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है उसके अंदर भी कैपेबिलिटी नहीं है इसको फाइट करने की इससे होगा क्या ये जो इन्वेसिव स्पीशीज है ये नेचुरल वेजिटेशन को लोकल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी और धीरे धीरे आपके इकोसिस्टम के ऊपर परमानेंट इंपैक्ट आने शुरू हो जाएंगे स्पेशली जैसे आप जीएम फूड है अब हिंदुस्तान में सरकारें आज तक सिर्फ हमने एक क्रॉप जीएम क्रॉप इंट्रोड्यूस किया कॉटन और क्रॉप हमने क्यों नहीं ग्रो किए जीएम क्यों सरकार अप्रूव नहीं करती क्योंकि इसके रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये परमानेंट चेंजेस जो है वो लोकल प्लांट एनिमल स्पीशीज के अंदर परमानेंट चेंजेस लेकर के आ सकती है जो कंट्री की नेचुरल और इंडिजीनियस स्पीशीज के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है फिशरीज के अंदर हम बहुत सारी देखते हैं चीज़ें कि वाटर बॉडीज़ के अंदर एग्जॉटिक फिशिज़ के इंट्रोड्यूस करने से नेचुरल जो नेटिव फिशेज थी उनकी पॉपुलेशन किस तरीके से कंटिन्यूसली डिक्लाइन करती जा रही है ग्रीन हाउस गैस इमीशन वन ऑफ द लार्जेस्ट कंसर्न है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री लैंड यूज़ जो भी है ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस के लिए अराउंड टेन टू ट्वेल्व गीघा टन ऑफ सी ओ टू इक्वेलेंट पर ईयर ग्रीन हाउस गैसेज एग्रीकल्चर सेक्टर रिलीज़ करता है और जो ग्रीन हाउस गैस इमीशन एग्रीकल्चर के हैं वो मेनली लैंड यूज़ पैटर्न जो है जो लैंड के अंदर चेंजेज हैं डिफॉरेस्टेशन जो है फर्मेंटेशन इन रूमिनट्स जो डाइजेशन प्रोसेस रूमिनन्ट्स के अंदर होता है बायोमास बायोफ्यूल बर्निंग पेडी कल्टिवेशन अब जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर आप देखते हो कि सर्दियों के टाइम पर कितना पोल्यूशन डेली जैसी का, नेशनल कैपिटल के अंदर हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्टबल बर्निंग प्रॉब्लम सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ करते हैं विच रिलीजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एटमोसफेयर विच इज अ टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैस तो ये कहीं ना कहीं एक मेजर कॉज बनता है एग्रीकल्चर पोल्यूशन का अब एग्रीकल्चर पोल्यूशन के इफेक्ट क्या होते हैं ये हमारे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था तो इफेक्ट में हेल्थ आ जाता है सबसे पहले तो क्योंकि आपके एग्रीकल्चर पोल्यूशन से आपके वाटर और लेक पोल्यूशन हो रहे हैं सरफेस वाटर पोल्यूशन हो रहा है ठीक है केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स वगैरह दे आर मेकिंग देयर वे इनटू द ग्राउंड वाटर एंड टू एंड टू द रिवर्स एंड द लेक्स तो वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स उससे होती हैं जैसे एक प्रॉब्लम होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं जो इन्फेंट्स के अंदर छोटे बच्चों के अंदर डेथ की प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसके बाद एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि देखो अब इसमें एक कंसेप्ट आ जाता है यूट्रोफिकेशन का अब बेसिकली यूट्रोफिकेशन के कंसेप्ट में होता क्या है आपके फर्टिलाइजर रन ऑफ जो है वो गया वाटर बॉडी के अंदर ये आपकी एक लेक है ठीक है अब इस फर्टिलाइजर की वजह से यहां पर क्या हुआ यहां पर एल्गल बूम आ जाएगा एलगी ग्रो ग्रो कर जाएगा अब एल्गल बूम के आने की वजह से क्या होगा अब देखो जब प्लांट का बूम हो जाएगा पॉपुलेशन बूम हो जाएगा यहां पर ठीक है तो एल्गल बूम से प्रॉब्लम क्या होगा डेफिनेटली दिस एल्गे विल ऑल्सो डाई तो जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो डेथ भी ज्यादा होगी ठीक है डेड एंड भी ज़्यादा होगी अब इस डेड एंड डिकेंग एल्गे के ऊपर क्या एक्ट करेगा बैक्टीरिया तो डेफिनेटली माइक्रोव पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी बैक्टीरियल पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ दिस डेड एंड डिकेइंग एलगे अब ये जो बैक्टीरिया है ये इस के करेगा. करने से क्या होगा इसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी ठीक है हम इसको क्या बोलते हैं कि वॉटर बॉडी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई क्योंकि दीज बैक्टीरिया नंबर एंड देर decomposition प्रोसेस इज ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ डेड एंड decaying algae. तो इनका ऑक्सीजन ही ज्यादा मांगेंगे अब बॉडी जो वाटर बॉडी है उसके अंदर एक लिमिटेड लेवल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो so, अल्टीमेटली जब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो धीरे धीरे वाटर बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कम होना शुरू हो जाएगा और जब वो ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली इट विल लेट टू लेसर ऑक्सीजन फॉर द्रिएचर्स लिविंग इन टू द वॉटर बॉडी एंड धीरे धीरे दे विल स्टार्ट डाइंग बिकॉज ऑफ सफोकेशन तो फर्टिलाइजर मेन्योर वेस्ट ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं यूट्रोफिकेशन की वाटर बॉडी के अंदर जिससे अल्टीमेटली अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर जो होता है वो कम हो जाता है जिससे आपके एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है क्रॉप य के अंदर डिक्रीज होता है देखो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का जब आप यूज करते हो केमिकल्स का यूज करते हो तो अल्टीमेटली आपका क्रॉप यील्ड एक बार तो बढ़ेगा लेकिन ओवर द टाइम जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है वो कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपका सॉइल जो है वो टॉक्सिक होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ जो वीड्स uh, और डिजीजेस वगैरह होते हैं दे आल्सो डेवलप सम काइंड ऑफ इम्यूनिटी तो थोड़ा टाइम तो वो आपको प्रोडक्शन देगा बट ओवर द लॉन्ग टर्म इट विल रिड्यूस योर येल्ड ओके उसके अलावा सॉइल पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है सॉइल डिप्लीशन हो रहा है सॉइल फर्टिलिटी डिप्लीट हो रही है ठीक है जिससे आपकी सॉइल बायोडाइवर्सिटी जो इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स हैं और प्रोडक्शन कम हो रही है ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो हो रहा है उसका एडवर्स क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट है पूरे प्लानट के ऊपर वार्मिंग हो रही है प्लानट की एंड दिस इज द कर्मा प्रोसेस देखो एग्रीकल्चर पोल्यूशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर ही होता है ठीक है एग्री पोल्यूशन का देखो वैसे तो हम कहते हैं ना यार अपने को क्या लेना पोल्यूशन से अगर हम भी कुछ पोल्यूशन कर रहे हैं ना लॉन्ग टर्म में वो पोल्यूशन अपने को ही इम्पैक्ट करने वाला है ठीक है अब दिवाली आएगी दिवाली पे जो लोग खड़े हो जाते हैं कि यार ये तो हमारा धर्म है ठीक है हमारे रिलीजन के अंदर लिखा है ये है वो है ऐसा है वैसा है पटाखे तो जलाना चाहिए बट अल्टीमेटली पटाखे तो आप जला लो पर कहीं ना कहीं वो आपको ही आ, अब तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपकी फ्यूचर जनरेशन को खराब करेगा वो आपकी अभी आप ही को बहुत ज़्यादा खराब कर देगा है ना तो एग्रीकल्चर के साथ भी वही होता है एग्रीकल्चर का पोल्यूशन का सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर ही खुद पड़ता है ठीक है कंक्लूजन में आप क्या डाल सकते हो कि भाई जो प्रेजेंट नीड ऑफ द टाइम है उसमें हम हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को एनकरेज करना है तो इन प्रैक्टिस सच सिस्टम हैव टेंडेड टू अवॉइड द यूज ऑफ सिंथेटिकली कंपाउंडेड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड लाइफ स्टॉक फीड एडिटिव इनस्टेड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम रिलाइज ऑन क्रॉप रोटेशन क्रॉप रेजिड्यू एनिमल मेन्योअर लेग्यूम्स ग्रीन मेन्योर ऑफ फार्म ऑर्गेनिक वेस्ट अप्रोप्रिएट मैकेनिकल कल्टिवेशन मिनरल बियरिंग रॉक्स टू मिनिमाइज सॉयल बायोलॉजिकल एक्टिव मैक्सिमाइज सॉयल बायोलॉजिकल एक्टिविटी मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी नेचुरल बायोलॉजिकल एंड कल्चरल कंट्रोल्स आर यूज टू मैनेज पेस्ट वीड्स एंड डिजीजेज द वर्ल्ड हैज ऑल्सो रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर तभी आपको दिखते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर जो टारगेट है अब अगर आपको वो टारगेट नंबर याद है तो वो आप डाल सकते हो ब्रैकेट के अंदर रेफरेंस के लिए एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं याद है तो जिस तरीके से मैंने स्टेटमेंट लिखी है बस वैसे लिख दो उसके बाद इंडिया का भी आप बोल सकते हो कि देखो इंडिया भी एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने में और पोल्यूशन फ्री बनाने में लगा हुआ है विद वेरियस इनिशिएटिव्स लाइक नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड परंपरागत कृषि योजना ठीक है आपको कोई और स्कीम डालनी है आप उसका नाम भी दे सकते हो बहुत ज्यादा स्कीम्स का मेंशन देने की जरूरत नहीं है एक दो एग्जांपल काफी हैं और इनको एक्सप्लेन करने की तो बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है एंड विद दिस यू कैन एंड अप योर आंसर ठीक है तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, था। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था इसके ऊपर इजिल आप आंसर लिख सकते हो अगर अभी तक आपने लिख करके नहीं भेजा है वीडियो देखने के बाद रेफरेंस लेकर के भी आप लिख करके भेज सकते हो मैं उसको तब भी चेक कर दूंगा ठीक है अब अगले लेक्चर के लिए जो क्वेश्चन आपने लिखना है वो है रिव्यू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी पिछले साल पूछा था ये क्वेश्चन तो ठीक है तो प्रीवियस ईयर में से उठाया पंद्रह नंबर का क्वेश्चन था छः सौ वर्ड्स का तो ये लिख करके भी आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ठीक है चलिए तो यहाँ पर अब लेक्चर को खत्म करेंगे एंड कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर आप बात कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय